सुल्तानपुर के श्रम विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मृतक श्रमिकों को मिलने वाले 14 लाख रुपए सहायक श्रमायुक्त ने अधिकारियों को धोखा देकर हड़प लिए। जानकारी के अनुसार योजना के तहत 7 मृतक श्रमिकों को 14 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए गए, लेकिन जिस कागज पर ये सारी जानकारी लिखी हुई थी उसमें मृतकों के नाम तो अलग हैं, लेकिन उनका अकाउंट नंबर एक ही निकला, जिसके बाद इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो पाया। वही मामला सामने आने के बाद जिला अधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। प्रमुख जरूर है, लेकिन इसमें और भी लोग दोषी होंगे। जैसा मैंने कहा कि बैंक वाले की बिना मिलीभगत से ये नहीं हो सकता है, अन्य अधिकारी जो विभाग के हैं हो सकता है कि उनकी भी संलिप्तता इसमें आए, तो जो भी थोड़ी भी संलिप्तता अगर किसी की भी पाई जाती है तो कहीं भी कोई कोताही नहीं की जाएगी और बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये जो पैसा मिलता है किसकी, किस अधिकारी के संस्तुति से मिलता है, पावादा प्रतारणी किसके पास रहती है? इसमें चैनल तो है, जो सहायक श्रम आयुक्त है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं, सभी के संज्ञान में आता है ये, और फिर भुगतान किया जाता है। जांच होती है, उसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी जांच करते हैं, सहायक श्रम आयुक्त उसको अप्रूव करते हैं और फिर लेखाकार के माध्यम से उसका भुगतान किया जाता है। फिलहाल मामले में जाँच शुरू हो गई है कि आखिर अधिकारियों की नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, लेकिन अधिकारियों को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगी। सुल्तानपुर से शरद की रिपोर्ट।